नमस्ते बच्चों, कैसे हो? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये चैप्टर है क्लास थर्ड के लिए, ईवीएस का थर्ड चैप्टर है, वर्क्स एंड सर्विसेज। ये डे फर्स्ट है, इस चैप्टर आज से स्टार्ट किया है मैंने, और इसका नाम है चैप्टर का वर्क्स एंड सर्विसेज। तो इसमें हम देखते हैं कि लोगों के काम और उनकी सेवा। ठीक है, सबसे पहले देर आर मेनी पीपल अराउंड अस हु डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स, यानी हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। दे हेल्प अस इन मेनी वेज, वो हमारी मदद अलग अलग तरीके से करते हैं। दे अर्न मनी बाई डूइंग देयर वर्क, वो अपने पैसे काम करके कमाते हैं। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यानी जो भी काम वो करते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है उसको हम व्यवसाय कहते हैं। द एरिया अराउंड आवर होम इज अवर नेबरहुड, जो हमारे आसपास का एरिया है जहाँ लोग रहते हैं इसको हम नेबरहुड यानी पड़ोस कहते हैं। देर आर मेनी इंपॉर्टेंट वर्कर्स हु प्रोवाइड अस विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग गुड्स वस्तुएं और सेवाएं देते हैं और उनके द्वारा हमें प्राप्त भी होता है। सम ऑफ देम वर्क इन लोकल मार्केट, कुछ लोग लोकल मार्केट में काम करते हैं, कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में, द पुलिस स्टेशन एंड द पोस्ट ऑफिस, अलग अलग क्षेत्र में सब लोग अपना काम करते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑक्यूपेशन एंड वर्कर्स टू नो हाउ दे मेक अवर एवरीडे लाइफ मोर कम्फर्टेबल। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं और कुछ ऐसे कामगार हैं जो अपना रोजाना काम करते हैं और सभी का जीवन बड़ा कम्फर्टेबल, आरामदायक बनाते हैं। जैसे कि अलग अलग काम है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। देखो, लेट्स अस मीट सम पीपल हु हेल्प टू मेक अवर हाउस, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिससे हमारा घर के कामों में ये लोग मदद करते हैं। जैसे कि प्लम्बर है, ये क्या करता है, नल वगैरह है इसकी फिटिंग करता है, बिगड़ता है तो उसको बनाता है। कारपेंटर है, बड़ा ही जो लकड़ी का काम करता है, अलग अलग बेड बनाना, चेयर्स बनाने, सोफा, बहुत सारे काम। इलेक्ट्रिशियन है, अगर बिजली में कोई कमी आती है, कुछ भी फिटिंग करानी है, ये इलेक्ट्रिशियन देखता है। केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, केमिस्ट क्या करता है, जो अलग अलग दवाइयाँ वगैरह हैं वो बेचता है। फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लोर्स फ्लावर्स, यानी जो फूल वाला है वो फूलों को बेचता है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनसे सभी के जीवन से इनका संबंध होता है। तो बच्चों, आज का इतना ही काफ़ी है। जो वर्ड मीनिंग दी है आप इसको फेयर नोटबुक में कराइए, और कोई भी स्कूल की तरफ से निकलता है तो अपनी फेयर नोटबुक उनके हाथ भिजवा देना, ताकि तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज टीचर से इन नोटबुक्स को चेक करा सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।